गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे फैक्टर है एक्सप्रेशंस, तो इसकी क्वेश्चन 1 और 2 हम सोल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन 3 का भी हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर चुके हैं, जिसमें है डिवाइड द फॉलोइंग्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फाइंड द क्वोटेंट। उसका ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो आप पेज नंबर ओपन कीजिए 98, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये डिवाइड करना है और क्वोटेंट बताना है। तो यहाँ पे आप 5x² -34x -99 इसको डिवाइड करना है आपको 5x+11 से, ठीक है। तो आप डिविडेंड और डिविजन दोनों की फर्स्ट टर्म देखेंगे, लेकिन ये और ये यानी 5x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² हो जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इक्वल हो जाएगा, यानी ये टर्म मल्टीप्लाई करके आपको इस टर्म को इक्वल करनी है। तो x अब ये पूरे डिविजन को मल्टीप्लाई करेगा, 5x से x को मल्टीप्लाई किया तो 5x² x से मल्टीप्लाई किया 11 को, तो 11x। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाले जो साइन है वो सब चेंज हो जाते हैं। साइन इसके लिए वहाँ पे रखना रहता है कि ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव। अब ये साइन हमारे कैंसिल हो गए, तो ये प्लस के 5x² ये माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 34x और माइनस के 11x। अब इसकी कोई गलती नहीं है, फिर ये कैंसिल हो चुका है, तो माइनस के 45x नेक्स्ट टू -99। अब देखिए जो आपको ये देखना है इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -45 हो जाएगा। तो 5 को अगर हम -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 = 45, और -9 11 को भी रहेगा, तो -99। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये भी प्लस, तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इक्वल टर्म कैंसिल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इक्वल टर्म, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 5x-9। ओके, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। ये 4x² -40x+91 है आपको 2x-13 से। तो यहाँ पे आएगा 2x मल्टीप्लाई करेगा 2x, तो क्या हो जाएगा 4x². अब 2x-13 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो 13 2 - 26x माइनस, और ये प्लस, ये साइन कैंसिल, ये टर्म कैंसिल। देखिए प्लस के 40, माइनस के 40 और प्लस के 26, तो माइनस के 14x बचेंगे प्लस 91। अब देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 14 हो जाए, तो 2 को -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -7 को 2 से किया तो -14x, और -7 को -13 से तो प्लस 13 7 = 91। अब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये साइन आपके कैंसिल हो चुके हैं, ये टर्म इक्वल हैं और एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव है, तो ये कैंसिल, तो रिमाइंडर 0 हो गया और आंसर हो गया क्या 2x-7।
अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट आप खुद सोल्व कर सकते हैं। यस, अब देखिए पार्ट नंबर फिफ्थ, ये एक्स की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 8x² प्लस 9x प्लस 18, और इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स प्लस 1 से। तो देखिए आपको x में मल्टीप्लाई करके x की पावर 4 के इक्वल लाना है, तो x में मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 से x को किया तो x की पावर 4 से 1 को किया तो x की पावर 3। यस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये साइन कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, प्लस के टू एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब बचेगा माइनस 8x². अब देखिए एक्स को एक्स क्यूब के इक्वल करना है मल्टीप्लाई करके, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स को किया तो x³, एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो क्या हो गया x² माइनस, और ये माइनस, ये कैंसिल, ये साइन कैंसिल, माइनस के 9x² नेक्स्ट टर्म प्लस 9x। अब x को मल्टीप्लाई करके इसके कॉल करना है, तो माइनस 9x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9x से मल्टीप्लाई किया x को, तो माइनस 9x² माइनस 9x को प्लस 1 से, तो माइनस 9x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस और ये भी प्लस, ये साइन कैंसिल, तो देखिए माइनस के 9x² प्लस के 9x², और यहाँ पे दोनों प्लस के हो गए 18x, नेक्स्ट टर्म 18। अब x को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करना है 18x के, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18x को x से किया तो 18x, और 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, ये माइनस कैंसिल, 0 रिमाइंडर, और आंसर होगा क्या, x³ माइनस एक्स प्लस x² माइनस 9x प्लस 18। ओके, तो देखिए इसके 5 में से हमने 4th पार्ट सोल्व कर दिए हैं, 5th पार्ट को आप खुद ट्राई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस x⁵ प्लस x³ प्लस x, वन ऑफ देम इज x² + x + 1, फाइंड द अदर। देखिए दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई दिया है, एक दिया है, तो सेकंड आपसे पूछा गया है कि सेकंड क्या होगा, लेट अदर इज इक्वल टू ए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, x² + x + 1 इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट दिया है x⁵ + x³ + x। देखिए दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई क्या है, x³ + x³ + x, उनमें से एक है x² + x + 1, तो अदर बताइए दूसरा क्या हुआ, तो वो हमने क्या ले लिया a। अब ये इधर a को मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी x⁵ + x³ + x डिवाइड बाई, ये इधर आके डिवाइड करेगा x² + x + 1। ठीक है, अब आपको ये डिवाइड करना है, तो x⁵ + x³ + x, ठीक है, अब x² + x + 1,
अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस के साथ इनको लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि x की पावर 5 के बाद सीधा x की पावर 3 है, x की पावर 4 इसमें नहीं है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जब x की पावर 4 बनेगी तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए, ऐसी x की पावर 3 के बाद x की पावर 2 नहीं है, सीधा x की पावर 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करने में x की पावर 2 भी आ सकता है तो उसके लिए हम थोड़ा स्पेस के साथ रखते हैं। अब आपको करना है एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके x की पावर 5 के इक्वल, तो x की पावर 3 से, यानी x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर 3 से, तो ये x की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। देखिए ये x की पावर 3 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5, x की पावर 3 को x की पावर 1 से, तो x की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नहीं है x की पावर 4 वाली टर्म, तो ये हमने स्पेस इसी ले रखा था, और x की पावर 3 को 1 से, तो x की पावर 3, सबट्रैक्ट करेंगे तो सभी टर्म पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव नेगेटिव, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस x की पावर 4। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर, तो माइनस, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर टू, तो माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 3, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से किया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से कोई टर्म नहीं आई है 3 और मतलब ऐसी 2 की पावर में, तो इसलिए हमने केवल x की पावर 4 को ही रखा। अब ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये प्लस, नीचे वाली सारी टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, ये सब कैंसिल हो गए, ये टर्म इक्वल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये बचा x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारी जो लास्ट टर्म है वो है x। अब एक्स स्क्वायर को x की पावर 3 के इक्वल करना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर को तो x की पावर 3, x से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2, x को 1 से तो x, सबट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस और माइनस, तो ये सब कैंसिल हो जाएगी, तो आपका जो आंसर आएगा, देखिए आंसर ये होगा, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x कॉमन लेने से एक एक पावर कम हो जाएगी, ये x यानी मल्टीप्लाई करेंगे x का x स्क्वायर से तो ये आ जाएगा, x का x से माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, x का 1 से x आ जाएगा। दैट्स क्लियर। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे ये पूछा जाए 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, एक नंबर 3 है दूसरा क्या है, तो वो सपोज a है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, ये उधर जाके 15 डिवाइड बाई 3, तो a कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसी कंसेप्ट में ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करना है 6x की पावर 4 प्लस 5a का क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 5a, ये डिवाइड करना है किससे, 2a स्क्वायर माइनस 8, ओ नहीं 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5, इससे डिवाइड करना है, और साथ में कह रहा है इसको एंड वेरीफाई, वेरीफाई भी किए, देखिए वेरीफाई क्या करते हैं, जब हम डिविजर क्वोटेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिविडेंट के इक्वल आ जाना चाहिए,
चलिए 3a स्क्वायर को, ये a है यहाँ पे, 3a स्क्वायर को 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और a स्क्वायर का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4, यानी 3a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2a स्क्वायर से तो ये जाएगा 6a की पावर 4। केवल यही हमें इक्वल करनी होती है फर्स्ट टर्म, बाकी 2a स्क्वायर अब 4a को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 8, 4 टू जा 8, a की पावर 3, a स्क्वायर 5 टू जा 10 a स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। देखिए माइनस के 8 और प्लस के 8 तो क्या बचेगा, माइनस 7 a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 यस 5 a की पावर 3 है ये, प्लस 5 a की पावर 3 है ये, तो ये देखिए प्लस के 5 और माइनस के 8 तो माइनस के 3 a की पावर 3 और माइनस माइनस के 10 प्लस के 6 माइनस 4 a स्क्वायर माइनस 5 a। अब देखिए ये सब यही टर्म है लेकिन माइनस का साइन है, तो माइनस 1 से माइनस a से, देखिए माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3a का क्यूब जो कि इसके इक्वल लाना है, तो माइनस ए ने मल्टीप्लाई किया माइनस 3a का क्यूब हो गया ये, इसको माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा, ये माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए से माइनस 5a, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये साइन कैंसिल हो गए आपके, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a ये भी कैंसिल, माइनस 5a प्लस 5a कैंसिल, जीरो रिमाइंडर, और आंसर होगा 2a स्क्वायर माइनस a, ठीक है। तो देखिए आज इस तरह से हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना सीखा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और आगे क्लासेस में भी काम आता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए समझिए और अपना वर्क फेयर कॉपी में नोट कीजिए। ओके, थैंक यू।